एसीबी ने गुरुवार को मालाखेड़ा में बिजली विभाग के जेएन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। जेएन आतुर गौड़ ने डीपी देने के एवज में सेवा शुल्क मांगा था। परिवादी से रिश्वत लेते ही उसे खुद के कार्यालय में गिरफ्तार कर लिया। परिवादी का नाम गोपनीय रखा है। परिवादी ने एसीबी को बताया कि मार्च माह से उसके खेत की डीपी खराब थी। डीपी बदलवाने के लिए वह बिजली विभाग के चक्कर काट रहा था। 3 माह में भी काम नहीं हुआ तो किसी के जरिए जेएन तक पहुंचा। जेएन ने केवल डीपी बदलकर देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी के एएसपी विजयपाल ने बताया कि परिवादी ने जेएन के रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दी थी, जिसकी पुष्टि करने के बाद तुरंत एसीबी ने कार्रवाई की है। मौके से जेएन की जेब से रिश्वत की राशि जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है मालाखेड़ा में, ये बिजली विभाग से संबंधित कार्रवाई है। मालाखेड़ा में कार्यरत जेएन आतुर गौड़, जिनका नाम है, उनको 10,000 रुपए लेते हुए परिवादी से लेते हुए ट्रैप किया है। जो आरोपी जेएन है, उसने परिवादी से ये जो राशि रिश्वत की मांग की थी, कल हमने इसका सत्यापन करवाया था। सत्यापन में उसने 12,000 रुपए मांगे थे, लेकिन जो लेन देन की राशि जो 10,000 रुपए में तय हुई, ये जो राशि आरोपी जेएन ले रहा था, ये राशि परिवादी का ट्रांसफार्मर इश्यू करने एवं उसके जून माह का जो बिल गलत जारी हो गया था, उसकी राशि कम करने की एवज में ये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी, जिसका हमने कल सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमारी टीम ने महेंद्र कुमार के नेतृत्व में, डीपीएसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये ट्रैप कार्रवाई आयोजित।